दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है? ओ, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई फिल्म गदर 2 और OMG 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हालांकि क्लैश के कारण दोनों ही फिल्मों की कमाई प्रभावित हुई है। 22 साल बाद गदर 2 के जरिए सनी देओल ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। साथ ही पठान के बाद साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। 11 से 13 अगस्त का वीकेंड इंडियन सिनेमा के लिए सबसे ऐतिहासिक रहा है। पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। 4 फिल्मों गदर 2, OMG 2, जेलर और भोला शंकर ने मिलकर 400 करोड़ का बिजनेस किया। पहली बार एक वीकेंड में 2.10 करोड़ दर्शक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। गदर 2, OMG 2 हिंदी फिल्में हैं, वही रजनीकांत की जेलर तमिल और चिरंजीवी की भोला शंकर तेलुगु फिल्म है। इस वीकेंड ने पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। एक वीकेंड में 2 करोड़ से ज्यादा दर्शकों के थिएटर पहुंचने का रिकॉर्ड भी 10 साल बाद बना है। गदर 2, OMG 2 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने मिलकर 72 करोड़ का बिजनेस किया है। बीता रविवार हिंदी सिनेमा के लिए अब तक का सबसे कमाऊ रविवार साबित हुआ है। सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही बॉलीवुड की तीनों फिल्में गदर 2, OMG 2 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले तो सनी देओल की स्टारर फिल्म गदर 2 ने रविवार को 52 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही इसने ओपनिंग वीकेंड पर टोटल 135 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। ये सनी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरी तरफ अक्षय कुमार की OMG 2 कमाई के मामले में इससे पीछे नहीं रही। फिल्म ने रविवार को 17.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 43 करोड़ का रहा। इसके साथ साथ ही साउथ की मूवी जेलर ने भी तोड़ कमाई की है। रजनीकांत की फिल्म जेलर ने भारत में 150 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर लिया है। इस तमिल फिल्म को हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब किया गया है। सभी भाषाओं को मिलाकर फिल्म ने अब तक 150 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं अगर OMG 2 भी गदर 2 के साथ रिलीज ना होती तो इस फिल्म को भी ज्यादा कैपेसिटी मिलती, जिसका फायदा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को होता। फिलहाल 15 अगस्त के दिन गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करने का अनुमान है और आस लगाई जा रही है कि नेक्स्ट वीक गदर 2 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। आपको क्या लगता है, गदर 2 500 करोड़ का आंकड़ा इस हफ्ते पार कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। We'll be right back.